हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज आपके पास गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज लेके आए हैं। दोस्तों, जो आपको पता है भाई, एडमिशन नोटिस आपके निकले हुए हैं, आपके पास ईयर दे रखी है 2020 से लेकर 2021, मतलब आपके पास यूजी और पीजी क्लासेज के कोर्स के एडमिशन नोटिस आपके पास आ चुका है। दोस्तों, ये आपके पास ऑफिशियल अपडेट है। दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, और जो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो दोस्तों बात करेंगे आज इसके बारे में, इसके कौन कौन से कोर्स के बारे में, और इनमें आपके पास प्रोग्राम के तहत आपके पास किस किस कोर्स के बारे में, किस किस इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये नोटिस आया हुआ था, आप देख रहे हैं ये, तो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपके पास दिखाता हूँ, इसमें आपके पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के तहत। तो दोस्तों, जेजेयू यूनिवर्सिटी के तहत आपके पास गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी के तहत कोर्स की बात करते हैं। पहला आपके पास जो हो रहा होगा आपके एमटेक प्रोग्राम का। तो दोस्तों, एमटेक प्रोग्राम के अंदर आपके पास बात आती है कंप्यूटर साइंस की बात आती है, और फिर आपके पास इंजीनियरिंग की बात आती है। सेकंड आपके पास इसी में ही है, आपके पास एमटेक के तहत आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस की बात आती है, और फिर आपके पास इंजीनियरिंग की बात आती है। और थर्ड आपके पास इसी में आपके पास बात आती है इलेक्ट्रॉनिक के कोर्स के बारे में बात आती है, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कोर्स इंजीनियरिंग के तहत। दोस्तों, फिर बात आती है आपके पास फूड टेक्नोलॉजी की बात आती है, और फिर बात आती है आपके पास जियो इन्फॉर्मेटिव की बात आती है, फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आती है, फिर आपके पास नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है, फिर आपके पास प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है। दोस्तों, ये आपके पास जो मैंने कोर्सेज बताए हैं, ये आपके पास एमटेक प्रोग्राम के तहत सारे कोर्सेज हैं। अब बात कर ले दोस्तों, जो आपके पास राइट हैंड साइड इसी के दे रखे हैं एमएससी के प्रोग्राम, दोस्तों इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आपके पास कौन कौन से आपके पास कोर्सेज गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी करवाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एमएससी के तहत आपके पास कोर्स कौन कौन से हैं इस सारी यूनिवर्सिटी के। तो दोस्तों, बात करते हैं, पहला आपके पास साइकोलॉजी की बात होती है। दोस्तों, पहला दे रखा है साइकोलॉजी, सेकेंड आपके पास दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है। दोस्तों, थर्ड आपके पास दे रखा है माइक्रोबायोलॉजी दे रखा है, फिर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री के द्वारा, फिर आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडी के द्वारा, फिर आपके पास फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा, फिर आपके पास मास कम्युनिकेशन के द्वारा, फिर आपके पास मैथ्स, और फिर आपके पास फिजिक्स के भी करवाती है दोस्तों, फिर आपके इकोनॉमिक्स के भी करवाती है दोस्तों ये यूनिवर्सिटी, और लास्ट आपके पास योगा साइंस एंड थेरेपी के बारे में। दोस्तों, इससे भी आपके पास एमएससी के कोर्स दोस्तों प्रोग्राम आपके पास ये हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके पास ये मैंने बताए एमटेक के प्रोग्राम के बारे में चर्चा हुई, और आपके पास एमएससी के प्रोग्राम के बारे में चर्चा हुई। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आगे भी आपके पास कोर्स जैसे आपके पास आएंगे, एम फार्मेसी के अकॉर्डिंग भी दोस्तों ये यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है। तो दोस्तों, पहले आप इनको नोट कर लें, और जो कोर्स करना चाहते हैं वो समझ लें भाई, आपके पास ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है। दोस्तों, इसके एडमिशन नोटिस आया हुआ था। दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल साइट का नोटिस है दोस्तों, उस पर प्रोवाइड है, और आपका न्यूज़पेपर में भी आया हुआ। दोस्तों, ये आपके पास बहुत ही काफ़ी अहम नोटिस है दोस्तों, जो इसकी चर्चा हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, ये आपके पास दो कोर्स थे एमटेक प्रोग्राम के तहत, और आपके पास एमएससी प्रोग्राम के तहत। तो दोस्तों, उसी प्रकार आपके पास आगे हम डिस्कस करते हैं, जो आपके पास नीचे, इससे नीचे आप चलते हैं, आपके पास एम फार्मेसी आपके पास प्रोग्राम के तहत कौन कौन से कोर्स है दोस्तों, देखिए आप। तो दोस्तों, बात करते हैं एम फार्मेसी के तहत आपके पास केमिस्ट्री, और फिर बात आती है आपके पास फार्मोलॉजी, फिर आपके पास बात आती है फार्मोसाइकोलॉजी, फिर आपके पास इसमें तो ये कोर्स आपके पास थे एम फार्मेसी के बारे में। फिर बात कर लेते हैं आपके पास इससे नीचे दे रखे हैं एम पीटेक के बारे में, आपके पास कौन कौन सी आपके पास बात करवाती है इसमें, फिर इसमें बात आती है मस्कुलर स्केल्टन डिसऑर्डर के अनुसार, फिर आपके पास न्यूक्रोलॉजी डिसऑर्डर के अनुसार, फिर आपके पास कार्डियोथेरेपी आपके पास डिसऑर्डर के अनुसार, और आपके पास स्पोर्ट्स के अनुसार, आपके एम पी टेच के अनुसार जो कोर्स हैं आपके पास, ये आपके पास अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के तहत। दोस्तों, इससे आगे बात करते हैं
एमसीए के प्रोग्राम आपकी ये यूनिवर्सिटी करवाती है। फिर बात करते हैं इससे आगे एमए के कोर्सेज आपके पास दो ही करवाती है, ये इंग्लिश करवाती है और हिंदी करवाती है दोस्तों। फिर बात करते हैं इससे नीचे आपके पास एमबीए के और एमकॉम के कोर्स आपके पास पहली बात दे रखी है इसमें, मास्टर ऑफ बिजनेस आपके पास, फिर बात दे रखी है इसमें फाइनेंस के बारे में बात दे रखी है, आपके पास मार्केटिंग का कोर्स भी करवाती है यूनिवर्सिटी और एमकॉम के जो भी कोर्सेज है वो आपका ये यूनिवर्सिटी करवाती है। तो दोस्तों ये आपके पास, आगे चलते हैं हम पीजी डिप्लोमा को लेकर। तो पीजी डिप्लोमा आपके पास कोर्स करवाती है गाइडेंस ऑफ द काउंसलिंग के बारे में, फिर आपके पास योगा साइंस और थेरेपी के बारे में दोस्तों ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज ही करवाती है। दोस्तों इससे आगे आपके पास चलते हैं अंडर ग्रेजुएट के जो अभी कोर्स है आपके पास उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सभी के बारे में लिख रखा है, जैसे ड्यूल आपके पास डिग्री, तो दोस्तों ड्यूल डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास ड्यूल का मतलब ये है जैसे आपके पास ऑनर्स का बात आती है और आपके पास रेगुलर की बात आती है। दोस्तों दोनों आपके पास, जैसे आपके पास पहले दे रखी है बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात दे रखी है, फिर आपके पास केमिस्ट्री की बात दे रखी है, फिर आपके पास मैथ्स की बात दे रखी है, फिर आपके पास बायोलॉजी की बात दे रखी है, फिर आपके पास इकोनॉमिक्स की बात दे रखी है और फिर आपके पास साइकोलॉजी की बात दे रखी है। दोस्तों इससे आगे आपके पास दे रखा है इसमें कंप्यूटर के बारे में दे रखा है दोस्तों, और फिर आपके पास बात आती है साइकोलॉजी थेरेपी के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी आपके पास बीएससी के कोर्सेज भी करवाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपके पास इसके अलावा बीटेक के कोर्सेज भी हैं वो भी आप ये यूनिवर्सिटी करवाती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं जो मैंने बताया ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स करवाती है, एमटेक प्रोग्राम के कोर्स करवाती है, बीटेक के कोर्स करवाती है, एमएससी प्रोग्राम के कोर्स करवाती है, एम फार्मेसी के कोर्स करवाती है, एम पीटेक के कोर्स करवाती है आपके पास, एमसीए के कोर्स करवाती है, एमए के कोर्स करवाती है, एमकॉम के कोर्स करवाती है और बीएससी के कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आज मैंने इसके बारे में डिस्कस किया दोस्तों। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों डेली अपडेट होती है आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपके पास कोर्सेज हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनके तहत से आपके पास प्रमोट होने की खबर लगा लो आपके पास, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है जैसे रीअपीयर के फॉर्म की लगा लो, तो दोस्तों आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते हैं। दोस्तों जैसे आज ये नोटिस आया हुआ था, इसकी आपके पास अपडेट आई हुई थी, इसके आपके पास नोटिस इसके एडमिशन का निकल गया था, तो दोस्तों आपके साथ हमने शेयर किया दोस्तों। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने साथियों तक भी पहुंचाएं जो जो ये आपके पास जे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, न्यू अपकमिंग वीडियो आपके पास आती रहेंगी।